हेलो माय डायमंड आर्मी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई बोरिक एसिड कहां कहां इस्तेमाल होता है और उससे मैं क्या करने वाला हूं। भाई बोरिक एसिड वही होता है जो कैरम बोर्ड के ऊपर बिखेर दिया जाता है, उसके बाद उस पर गोटियां रख के इस तरह से हम स्ट्राइक को मारते हैं तो वो आगे को चली जाती है बआसानी। तो दोस्तों, इसके अलावा इस पाउडर की और भी खसूसियात हैं, यानी कि डाइंग में भी इस्तेमाल होता है, प्रिंटिंग में भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये गिलास की मेकिंग में भी इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, इसके अंदर एक और भी खासियत पाई जाती है कि ये कीड़े और मकोड़ों को भी मारने के लिए इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, मैं इसके साथ क्या करूँगा। भाई दोस्तों, आपने आग के कलर देखे होंगे, यानी आग हमेशा ही आपको पीले कलर की नज़र आती है, मगर दोस्तों इसको जलाने के बाद हरे कलर की आग भी बनाई जा सकती है। वो कैसे बनेगी और किस तरह से वो हरी जलेगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाऊंगा। तो दोस्तों, बोरिक एसिड जब जलता है तो दोस्तों उसके अंदर से एक गैस खारिज होती है जिसको कहते हैं बोरिक एनहाइड्राइड। इसकी वजह से जो है दोस्तों ग्रीन कलर की आग इसमें से निकल रही होती है। और दोस्तों, इसके अलावा बोरिक एसिड जो बनता है वो बोरोन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से, इन तीनों को मिलाने के बाद ये बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसको हम जला के देख लेते हैं और आप भी देखिएगा कि कितना अच्छा नज़ारा होता है। और इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप पुराने तो भाई दिल से थैंक यू। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देख लेते हैं। प्लीज सब्सक्राइब मिस्टर एवरीथिंग एक्सपेरिमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले चीनी का प्याला ले रहा हूँ क्योंकि इसमें आग नहीं लगती। अब बारी आती है बोरिक एसिड की। दोस्तों, बोरिक एसिड के 2 अदद चमचे इस प्याले के अंदर डाल देने हैं। और दोस्तों, उसके बाद बारी आएगी नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। अब बारी आती है दोस्तों नील पॉलिश रिमूवर की। आप कोई सा भी फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी जगह पेट्रोल या थिनर भी चल जाएगा। दोस्तों, इसको भी डालेंगे, कमरे की लाइट बुझाएंगे और इसको जला देंगे। हम तो पैदाइशी साइंसदान हैं, आप ये घर पर ट्राई करने की कोशिश मत करिएगा।